हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव में नामांकन की भीड़, बहादुरपुर के बाद सदर में भी उमड़े प्रत्याशी और उसके समर्थक। जल जमाव के बाद जल से कटाव भी, भारी संख्या में घरों को खतरा नदी किनारे। कुशेश्वर स्थान से जदयू उम्मीदवार के नामांकन में एनडीए का कुनबा उतरा, मंत्री संजय झा ने कहा जीत पक्की। और जल जमाव वाले सड़क पर हाईवा पोल से टकराया, ड्राइवर की करंट से दर्दनाक मौत, मामला सदर प्रखंड के पास का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। मेरी पंचायत के लोग जरा सोच के वोट गिराना, जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से, बात करते हैं सबसे पहले पंचायत चुनाव की। जी हाँ, सदर प्रखंड में नामांकन प्रारंभ हुआ तो एक तरफ नामांकन, दूसरे तरफ जल जमाव, संकीर्ण रहे रास्ता, यातायात का लचर व्यवस्था और उसके बाद एक दुर्घटना के बाद, ये सारे सम्मिश्रण के बाद स्थिति क्या रही प्रखंड की, ये देखिए। और पंचायत चुनाव नामांकन सदर प्रखंड का, जी हाँ, ये नारा, भीषण बारिश के बाद, जलजमाव के बाद पंचायत चुनाव में गांव की सरकार की होड़। अगर आप चुनाव जीतते तो क्या करेंगे पंचायत? पंचायत किस पद के लिए नामांकन किया? क्या आप अपने वार्ड नंबर 6 के जनता से क्या उम्मीद जता रहे हैं? उम्मीद लगाए हैं कि अगर हमको चुन के देगा तो उसके बाद अभी तो कुछ नहीं उम्मीद लगा सकते, चुनाव जीतने के बाद कुछ कर सकते हैं। नामांकन किया है 6 वार्ड से। हमारे वार्ड में जनरल योजना का काम भी नहीं हुआ है, बहुत ऐसा सारा काम है कि नहीं हो पा रहा है। प्रखंड सारा मोहल्ला पंचायत से है, पंचायत समिति सदस्य के लिए आज हम अध्यक्ष बना रहे हैं। क्या उद्देश्य आपने नामांकन किए हैं? 5 साल जो हमने जीते हुए थे वर्तमान में, हम विकास के लिए जनता में अपना जो है सो होगा काम करेंगे। और पंचायत चुनाव बहादुरपुर में नामांकन का दौर चलता, और पंचायत चुनाव का नामांकन बहादुरपुर में कई दिनों से चल रहा है और उसका दौर भी जारी रहा मंगलवार को। हम नहीं रहे, हम अभी जो मुखिया है उसी परिवार के थे, पिछले 2006 से 2016 तक मुखिया मेरी माँ रहे। क्या नाम हुआ? पवन यादव। ज्ञान हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र में देख रहे हैं, सही स्तर पर, जमीनी स्तर पर कोई काम विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। मेरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि जमीन की स्तर पर हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को जिसको सरकारी योजना नहीं मिला हो या सरकार का जो योजना चल रहा है वो योजना हम जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति को देने की।
प्राथमिकता के आधार पर उसको हटाने का काम करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी? विकास का, किस ढंग का विकास करेंगे? गांव में नाला हो गया, जल नल योजना हो गया, स्कूल विद्यालय जितना भी है उसका हम विकास करेंगे। बताओ कि हम आएंगे तो अच्छा विकास करेंगे, ठीक है, लेकिन उस ढंग से नहीं हो पाता है। और हम अपने समय में देखे हैं कि जितने भी आते जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इस सोच के हमने सोचा कि भाई इस बार हम लोगों का एक समय दिया जाए, एक मौका दिया जाए और हम लोग अधिक से अधिक और बेहतर विकास। पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किए हैं। मेरा एक ही मुद्दा है, विकास होना चाहिए। मेरे पंचायत में 20 साल से विकास नहीं हो रहा है। मेरे जितने भी गरीब गुरबे हैं, जितने भी माताएं बहने हैं, सभी आदमी का एक ही आवाज है कि आप चुनाव लड़िए चंद्रावती जी। इसलिए मैं मुखिया पद के लिए नामांकन किए। मेरा एक ही मुद्दा, विकास होना चाहिए। किस पद के लिए नामांकन किए? क्या प्राथमिकता होगा? जल योजना का सही प्राथमिकता है, जनता का विकास। जो मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार हुई है, जो मेरे पंचायत में नंबर में लूट खसोट हुई है, वो सबको उजागर करना, पब्लिक को विकास करवाना। करेंगे जगह जगह नाला का व्यवस्था करवाएंगे और साथ ही जो लोग मजदूर हैं उन लोगों को मनरेगा के तहत निरंतर जो है उन लोगों को काम दिलाने का काम करेंगे, शिक्षा के प्रति ध्यान देंगे, स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम करेंगे। पहला बार मैंने खड़े हूँ। क्या सब समस्या है आपके वार्ड में? समस्या जल नल वाला समस्या है, नाला रोड। सर मेरा प्राथमिकता होगी कि ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत सबसे पहले बनाने का कोशिश करें। जो भी सरकार की तरफ से योजना है वो धरातल पर व्यवस्थित करने का कोशिश करें। क्या सब काम? सरकार का राशि था, उसी हिसाब से विकास हो चुका है। आगे जो भी काम छुटा हुआ है जनता भरोसा कर रही है। जनता पूरा उलट गया हुआ है कि फिर मुख्तार मुन्नी खातून को हम तारे पंचायत में मौका दे, छुटा हुआ विकास करे। सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं होगी जो वंचित वर्ग है या फिर अन्य जो आम जनता है उनके पहुँचाना। दूसरी बात है कि मन सम्मान की जहाँ तक बात है, पढ़े लिखे तमाम लोगों को इज्जत के साथ उनके साथ व्यवहार करना, सरकार की तमाम योजनाओं को प्राथमिकता के साथ उनके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना। पंचायत चुनाव के दौरान ही बात करते हैं एक दुर्घटना की। जी हां, सदल थाना के निकट एक हाईवा ट्रक में पुल से टकरा गया और करंट लगने के कारण ड्राइवर की घटना स्थल पर ही दुखद दर्दनाक मौत हो गई सदर थाना के पास। और पानी में हाईवा फंस जाने के बाद पुल से टकराया और दर्दनाक मौत हो गई ड्राइवर की, जिसके बाद हंगामा मच गया। बिजली का लाइन आनन फानन में काटा गया। संजोग रहा कि एक ही मौत हुई, लेकिन चारों ओर हड़कंप मच गया। हमने आपको दिखाया था बीटीएन न्यूज में एक दिन पहले इस जगह का हाल कि क्या हाल है। आज इसने एक जिंदगी ले ली। करंट की चपेट में आ गया यह इलाका और यह हाईवा, और यह देखिए किस तरह सटा, जहां ड्राइवर ने गाड़ी में ही घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। करंट आ गया, उसका रीजन है ये पानी। अब पानी के निकासी का कोई रास्ता है नहीं, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट तो होता ही है। एक्सीडेंट तो आम बात है, हर दिन दो तीन एक्सीडेंट होता है। अब हमने में सब इम्पोर्टेंट जगह यहीं पे, जैसे थाना ब्लॉक निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। अब बात करते हैं विधानसभा उपनिर्वाचन की। कुशेश्वर स्थान सीट से जदयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी ने भरा अपना पर्चा। सरकार के कई मंत्री सहित नामांकन में पूरा एनडीए का कुनबा पहुंचा। मंत्री संजय झा ने कहा, जीत पक्की, चुनाव मैदान में आने से पहले ही बिखरा महागठबंधन का कुनबा। कुशेश्वर स्थान सीट से जदयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी ने पर्चा भरा और एनडीए के कुनबा मंत्री इत्यादि सब पहुंचे। मंत्री संजय झा विशेष रूप से आए और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि इस उपचुनाव में जीत पक्की है अमन भूषण हजारी की। उन्होंने कहा कि हजारों लोग का समर्थन आप देख रहे हैं, इस बार और पानी में भी
दूर दूर से लोग आए हैं, जहां लोग एक दिन पहले जुटते हैं, कहीं जाना होता है तब, उसके बाद भी ये जोश, ये संघर्ष। उन्होंने कहा कि बीजेपी, जदयू और हम पार्टी या वीआईपी पार्टी सभी का सहयोग है। लोजपा के सांसद प्रिंस राज, बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, मदन सहनी, जीवेश मिश्रा के अलावे कई विधायक सांसद भी मौजूद रहे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए अमन भूषण हजारी ने आम लोगों का आशीर्वाद मांगा। मैं आज, मुझे बहुत खुशी है और सभी आदमी आए, एनडीए के सभी नेता, हम गार्जियन, हमारे सभी गार्जियन आए और हमें आशीर्वाद दिए, और क्षेत्र के सभी जो हमारे गार्जियन हैं सभी आकर के आशीर्वाद दिए और बहुत खुशी हुई। ये उत्साह की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि हमारे साथ सभी गार्जियन हमारे हैं, सभी पूरे विधानसभा हमारे साथ है, और कोई एक मतलब एक आदमी जो कहेगा कि नहीं आशीर्वाद दे रहे, वो ऐसा कोई बात नहीं, पूरे विधानसभा हमारे साथ है। विकास की, हमारे पिताजी जो विकास जितना किए उसमें कुछ जो छूट गया वो हम करने की कोशिश करें। बड़ा ऐतिहासिक नॉमिनेशन रहा, जितनी बड़ी संख्या में लोग आज, जब कुशेश्वर स्थान दुरूह क्षेत्र है, यहाँ से निकल के आना भी, ऐसा भी होता है कि एक रात पहले आना पड़ता है, ऐसा भी रिमोट एरिया है यहाँ, लेकिन कोई पंचायत, कोई गांव नहीं है जहाँ से लोग आज नहीं आए इस कार्यक्रम में। और ऐतिहासिक जीत यहाँ से एनडीए के नेतृत्व में जो जदयू के प्रत्याशी है उनका होगा, और कुशेश्वर स्थान में तो देख ही लिए, महागठबंधन तो नॉमिनेशन हम लोग किए नहीं, अब वो महागठबंधन वैसे ही खत्म हो चुका है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत होने वाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के आरसीपी सिंह की मौजूदगी ने लोगों का जोश और भी बढ़ा दिया। ये सुनिश्चित कराना है कि जितने हमारे समर्थक, पांचों दलों के हमारे समर्थक सुचेतक मतदाता है, वो बूथ पर जरूर जाए, और बूथ पर जाकर के जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार अमन जी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह यहाँ 3 होगा, उस पर आप बटन जरूर दबाएं, और चुनाव चिन्ह का प्रचार करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी होंगे, जो हमारे सुचिंतक होंगे, उनके दिमाग में कमल छाप होगा, हमारे वीआईपी के होंगे उनका नाम वाला है वो होगा, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का अभी तो फ्रीज हो गया है लेकिन उनके दिमाग में बंगला का है, बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव में नामांकन की भीड़, बहादुरपुर के बाद सदर में भी उमड़े प्रत्याशी और उसके समर्थक। जल जमाव के बाद जल से कटाव भी, भारी संख्या में घरों को खतरा, नदी किनारे। कुशेश्वर स्थान से जदयू उम्मीदवार के नामांकन में एनडीए का कुनबा उतरा, मंत्री संजय झा ने कहा जीत पक्की। और जलजमाव वाले सड़क पर हाईवा पोल से टकराया, ड्राइवर की करंट से दर्दनाक मौत, मामला सदर प्रखंड के पास का। लगातार 3 दिनों के बारिश के बाद बागमती नदी में तेजी से बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे शहर के बाजीपुर इलाके में भारी कटाव, कई घर में दरार तो कुछ घट नदी की धारा में समाई, लेकिन 100 घर के आसपास खतरा मंडरा रहा।
लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद भले ही शहर से जल जमाव धीरे धीरे नीचे निकल रहा, लेकिन नदी की तेज धारा ने नदी किनारे शहर के बाजितपुर इलाके में भारी कटाव कर दिया, जिससे कई मकानों में दरार पड़ गया। बाढ़ की मार झेल चुके दरभंगा शहर के बाजितपुर के मोहल्ले के लोगों के ऊपर एक बार फिर आफत बनकर यह खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश और तेज बारिश के कारण नदी का कटाव तेजी से बढ़ा, जलस्तर इस तरह रौद्र रूप में बढ़ा जिससे किनारे जो घर बना है वार्ड नंबर 23 के बाजितपुर में, वहां कई मकान खिसक गया। एक तरफ प्रोटेक्शन बांध के कारण नदी दूसरे तरफ फैलती जा रही है, जिससे पानी बढ़ने के बाद भारी कटाव हो रहा है। लोग बताते हैं कि नदी का पानी 24 घंटे में 10 से 12 फीट बढ़ गया अचानक, जिसके कारण ये कटाव हुआ और मिट्टी कमजोर हो गया। इसके पहले यहाँ तुरंत पानी घटा था और मिट्टी गीला था, जिसके कारण यह कटाव हुआ। रोकने का काम, इसे रोकने के लिए मंत्री, जल संसाधन मंत्री संजय झा 1 महीना पहले खुद इस इलाके में आए थे, लेकिन दोबारा पानी आया और कोई मुकम्मल उपाय नहीं हुआ। 2 बार बाढ़ की धार और 1 बार ये बारिश और आफत की मार, इसके बाद ये स्थिति आप देखिए कैमरे की निगाह में किस तरह, जिस तरह पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होता है उस तरह यहाँ की स्थिति। क्या किया जाए, एक दो रूम है वो भी गिर जाएगा, अंगना सब में जो पूरा चनका हुआ। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया मंगलवार। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। प्रभारी जिलाधिकारी सह विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी इसमें मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम। और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बारीकी से की उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने। पदाधिकारी एवं सुपरवाइजर के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। यही बताया गया कि विभाग के द्वारा लक्ष्य दिया गया है कि 30 नवंबर तक दरभंगा जिला में जितने भी आवास अपूर्ण हैं उनको कंप्लीट करा जाए, उसी को लेकर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि कैम मोड में काम कर करके सभी आवासों को कम्प्लीट। नर्स के कुछ घंटे की हड़ताल में डीएमसीएच की अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई। वेतन में देरी के कारण नर्स ने यह हड़ताल किया। सिटी एसपी अशोक कुमार राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद से 40 दिनों का प्रशिक्षण लेकर लौटे, उसके बाद उन्होंने अपना योगदान दिया। और सिटी एसपी अशोक कुमार 40 दिन प्रशिक्षण लेने के बाद पहुंचे मुख्यालय, पुनः योगदान दिया, कहा जो प्रशिक्षण उन्होंने लिया है उसका पूर्ण रूपेण सदुपयोग करेंगे। वह 40 दिन का एक आईपीएस में इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, तो ये 42वां इंडक्शन ट्रेनिंग था और पूरे देश से 19 राज्यों से 95 ट्रेनिंग लोग गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे ये 40 दिनों में फिजिकली भी हम लोगों को अधिक फिट किया गया। उसके बाद कई तरह के जो साइबर से संबंधित और फॉरेंसिक से संबंधित जो अपराध होते हैं उनमें कई तरह की टेक्निकल जो जानकारी हम लोग नहीं जान पा रहे थे उससे भी हम लोगों को अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट को लेकर परिवहन विभाग की बैठक का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा प्रमंडल के सभागार। और प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में ट्रांसपोर्ट परिवहन से संबंधित बैठक हुई। हम यही कहेंगे कि कमिश्नर साहब अपने आए नहीं, लेकिन एडीएम को चार्ज दे दिए, चूंकि एडीएम साहब इसके मेंबर हैं इसलिए उनको चार्ज दिए। वो मीटिंग हुई, मीटिंग से संतुष्ट हैं हम लोग, परमिट ग्रांट हुआ है और परमिट जल्दीबाजी में इशू हो जाए। बैठक में इन लोगों का उम्मीद था, चूंकि काफी दिनों से जो है मीटिंग नहीं हो रही थी, गाड़ी सब जो है
परमिट के अभाव में खड़ी थी, आज हो गई है मीटिंग और जल्द से जल्द जो है परमिट निर्गत किया जाए, जिससे परमिट को ग्रांट किया गया है और सभी को आप मान कागजात में जैसे किसी का टैक्स फाइल होगा या फिटनेस फाइल होगा या इंश्योरेंस फाइल होगा वो हम लोग जमा करेंगे और एक परमिट में 11,000 रुपया होता लगता है, 11,500 आवेदन शुल्क, पहले था 2100। तो कमीशन साहब से मांग करेंगे कि हर महीना कर दिया जाए, ऑनर लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है और मीटिंग पर हम चाहेंगे कि 2 दिन के अंदर सभी आदमी को परमिट मिले, सबका ग्रांट हो गया, जिनका कागज प्रेजेंट करते हैं प्रस्तुत करते हैं उनका परमिट तुरंत दिया जाए। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहाया। यूपी में लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मामला वहां तो गरमाया ही हुआ है और यहां भी उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने पुतला फूका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लहरिया सराय में, नारे लगाए। ये आप सब तो मालूम है, ये सबसे वाला मैसेज जाने वाला आप लोग के ही है, जो वहाँ तक मैसेज केंद्र तक ये मैसेज जाएगा कि हमारे किसान के साथ क्या हो रहा है, हमारे किसान अपने हक पे लड़ने के लिए अपनी हक मांग रहे हैं और उसको इस तरीके से मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जो दुख देने जो दुख जाहिर सरकार ने किया है उसके खिलाफ एक महिलाओं के ऊपर में जिस तरह से उन्होंने अपने इशारे पर अपने पदाधिकारियों को बहकावा देके इस देश नाम और रहीम का है, यहाँ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ये देश चलता है। रावण बहुत बड़ा अहंकारी हो गया था, रावण का भी अंत हुआ और विभीषण जो सत्प्रिय आदमी था, न्याय पथ पर था, तो लंका का राजा उसने बना को गलत रास्ते से बचाने का, किस तरह से नरेंद्र मोदी और योगी की हिंदुस्तान की महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार कर रही है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अत्याचार कर रही है। और दरभंगा जिला दुर्गा पूजा संबंध में न्यास के बैनर तले 2021 में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर तैयारियों के बाबत तमाम जानकारी मीडिया के माध्यम से संगठन कुछ ही घंटे बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। 9 दिवसीय दुर्गा पूजा इस संदर्भ में लगातार यहां कई समिति कार्यरत है, शांति समिति के अलावा दुर्गा पूजा समन्वय समिति, दुर्गा पूजा समन्वय न्यास और समन्वय न्यास ने अपनी योजना दुर्गा पूजा संचालन शांति और भक्ति के साथ कैसे करेंगे इसका विस्तृत ब्यौरा दिया उनके पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष ने, महासचिव ने, कार्यकारिणी समिति ने मीडिया के माध्यम से कि किस तरह आप शांति सद्भाव और कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजन का भक्तिमय आयोजन करें। जिला प्रशासन से बाइक शोभा यात्रा निकालने हेतु अनुमति मांगी गई थी परंतु जिला प्रशासन ने अनुमति अस्वीकार कर दी, इसलिए जिला प्रशासन का सम्मान करते हुए न्यास समिति शोभा यात्रा नहीं निकाली। सभी पूजा समितियों को चुना ब्लीचिंग पाउडर, मेडिकल किट एवं मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं सुरक्षा हेतु सभी पूजा स्थल के निकट हेल्पलाइन बोर्ड भी लगाई जाएगी, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पूजा समितियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो दुर्गा जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के द्वारा जो प्रेस वार्ता आयोजन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यास समिति दुर्गा पूजा के दृष्टिकोण से कुछ योजनाओं को आज लागू किया। सबसे पहले बाइक शोभा यात्रा निकालना था लेकिन जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं किया, इसलिए जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास निर्णय लिया कि जिला प्रशासन का सम्मान करते हुए हम बाइक शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। दूसरी बात कि कई पुरस्कार का घोषणा किया गया है, जैसे प्रथम पुरस्कार है 25,000 रुपया, 11,000 रुपया और तृतीय पुरस्कार है 5,000 रुपया। पंचायत चुनाव में नामांकन की भीड़, बहादुरपुर के बाद सदर में भी उमड़े प्रत्याशी और उसके समर्थक।
जल जमाव के बाद जल से कटाव भी, भारी संख्या में घरों को खतरा, नदी किनारे। कुशेश्वर स्थान से जदयू उम्मीदवार के नामांकन में एनडीए का कुनबा उतरा, मंत्री संजय झा ने कहा जीत पक्की। और जल जमाव वाले सड़क पर हाईवा पोल से टकराया, ड्राइवर की करंट से दर्दनाक मौत, मामला सदर प्रखंड के पास का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, दो गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर। नमस्कार, जय।